नमस्कार झेब्रा निर्मित गणेश सुरेश आणि संजय गोळपकर प्रस्तुत आतला आवाज या का खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत मित्रांनो कोरोनामुळे गरिबांचे खूप हाल झाले त्यांना अनेक या ठिकाणी प्रश्न पडले अनेक समस्यांना त्यांना सामोरं जावं लागलं आणि खरं तर या सगळ्या का कालावधीत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी देवदूतासारखं काम केलं त्यांच्या हाकेला धावून गेले आणि त्यांच्या ज्या समस्या होत्या पोटा पाण्याच्या त्या या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेल्या पण या सगळ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये या सगळं काम करत असताना नक्की त्यांचा एक मानसिक तोल कसा आ, या गोष्टीकडे वाढत होता किंवा काय त्यांचे विचार होते कोणत्या उद्देशाने ही माणसं काम करतात आपण आजकालच्या जगात बघितलं तर प्रत्येक माणूस हा सेल्फिश स्वागत असतो कुणी कोणाला मदत करायला या ठिकाणी तयार नाही आहे पण असेही काही आहेत देवासारखी माणसं की ते दुसऱ्यांच्या प्रती ही भावना ठेवतात तर तर चला तर मग जाणून घेऊया त्यांच्याकडूनच की नक्की काय त्यांच्या भावना आहेत मॅम बहुत बहुत स्वागत आहे आपका इस हमारे शो मे धन्यवाद थैंक यू सो मच हाँ जब मेरे एक्चुअली एक दोस्त ने बताया कि यूनिता तो, डोल्टन करके एक है सोशल वर्कर जिन्होंने बहुत कुछ आ, काम अभी तक लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए किया है तो मैम मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका एक ग्रुप है क्या आपके किस तरह के वो लोग हैं कौन से आपकी एक टीम है जो ये सब काम कर रही है ये ऐसा हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ बीस मार्च को हाँ हमको पता चला कि पूरा बाज़ार बंद होने वाला है बराबर और हमारे ध्यान में ये आए कि जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं हाँ। उनके लिए तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वो बाजार नाके पे खड़े रहते हैं और फिर वहां से किसी ने उठाया उनको काम के लिए तो उनको कुछ पैसे मिलते थे बराबर परंतु ऐसा है कि हमारे जो कातकरी भाई बहन है वो उनके परिवार है आदिवासी, उन, आदिवासी लोग उनको कोई उनके बारे में कोई सोचते नहीं है क्योंकि वो जंगलों में जाते हैं लकड़ी काटते हैं लकड़ी लाते हैं बाजार में वो बेचते हैं और वैसा हुआ कि सब बेकरियाँ बंद थी कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं था उनके अलावा उन लोग क्या करेंगे पैसे कहाँ से मिलेंगे तो उन लोग क्या करते है? जंगल जलाते हैं और जितने भी छोटे छोटे जानवरों जो है खरगोश रहने दो बटेर रहने दो ये क्या बोलते हैं डियर वो जल जल जाते हैं नहीं तो वो पकड़ते हैं मारते हैं तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है जो ये बाजू के जो सयाद्री घाट की है वो तो एकदम अप डाउन हो जाएगा तो हम लोग ने ऐसे सोचे कि हम लोग ये लोगों के लिए कुछ तो कुछ काम कर करते सकते हैं तो एक है ऐसे जो मेरे साथ काम किए थे बहुत साल पहले सोनाली शेलके सोनाली शेलके और हाँ, रवि शेलके हाँ, ये सोशल वर्कर्स है मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ अच्छा तो उन्हों उनको पूछा मैंने ऐसे ऐसे कोई है क्या जो ऐसे मदद की ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे मैम गांव है यहाँ लनावला के बाहर ग्रामीण भाग में जिनको मदद चाहिए तो मैंने बोला कितना परिवार है तो उसने बोला मुझे सौ परिवार है करके तो मैंने बोला चलो ठीक है तो मैंने ऐसे ही एक व्हाट्सएप में डाला था कि ऐसे सौ परिवार जो है उनको मदद चाहिए खाने के लिए ऐसे तो हम मैंने यही सोचा चलो एक पैकेट बनाएंगे उसमें चावल डालेंगे दाल डालेंगे मसाला धाने के साबुन कपड़े धोने के साबुन थोड़ा सा नमक ऐसे एक पैकेट बना के हम लोग दे सकते हैं बराबर। तो हम लोग ने ऐसे तय किया कि चलो कितना होता है और वो हिसाब से हम लोग सब कंट्रीब्यूट करेंगे ऐसे जितना लगता है मतलब आपकी जो एक टीम है टीम हम लोग ने ऐसे ही मैंने पांच जन चुना हाँ। एक तो खोजायमा आरसी वाला है अच्छा। एक मिसेज उषा पंडित है एक लोहित पुजारी जी है एक कुणाल रूपारेल करके है मैं हूँ एक फिर हमारे जो मदद के लिए जो बाकी टेम्पो ड्राइवर्स है हमारे ग्रेन ग्रोसर्स है वो सब आए मतलब ये जो सारा फंड इसके लिए नीड था इसके लिए ज़रूरी था हाँ। ये सब आप पांच लोगों ने ही मतलब नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं हम लोग ऐसे एक मैसेज डालते थे कि हम इनको मदद करना चाहते हैं आप आपके ग्रुप में आपके पहचान में कोई है क्या जो ऐसे लोगों को डोनेट करने वाले डोनो डोनेट करने बराबर शब्द यूज किया आपने कि जो डोनेट करेंगे तो लोग आगे आए किसी ने पाँच सौ रुपया दिया किसी ने हजार रुपया दिया किसी ने दो हजार रुपया दिया और ऐसे हम कलेक्ट किए पैसे पहले राउंड के लिए तो मैंने बोला चलो भगवान है ऊपर वाला है हम लोग करेंगे टेम्पो बुलाया सामान भरा हम लोग पाँच जन बैठे उसके अंदर और हम लोग गए टोल नाके पे उधर के पुलिस वाले सब आए गाड़ी पे एक तो गाड़ी अंदर बाहर हो रही नहीं थी टोल नाके पे आपको भी मालूम रहेगा सब पुलिस वाले आए और हमको पूछे कि आप किधर जा रहे हो क्या कर रहे हो मैंने बोला देखो हम लोग दाना बांटने जा रहे हैं हम लोग इधर ही जा रहे हैं हम हमारा उनकी राह देख रहे तो जगताप वो वो साहब को बोला मैंने बोला आप एक कांस्टेबल भेज सकते क्या हमारे साथ तो उसने बोला हाँ उसको भी ऐसे लगा रहेगा कि ये लेडी का क्या डेयरिंग है कि ऐसे सबसे बिट रही है जा रही है वो तो उसने एक संतोष करके हमें हमारे साथ भेजा वो और वो पहला ड्राइव था थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को अच्छा। फिर लोगों को पता चला कि हाँ इन लोग कर रहे हैं कुछ फिर उधर के आदिवासी उधर के कातकरी लोग को समझ में आया कि ऐसे लोग हैं जो बांट रहे हैं फिर सौ से 200 दो सौ हो गए दो सौ परिवार दो सौ परिवार हाँ फिर दो सौ परिवार के लिए हम लोग ने किए और ऐसे ही जिसने हमें पैसे डोनेट किए जैसे ड्राइव खत्म होता था हम लोग पिक्चर्स अपलोड करते थे उनको मतलब उनको एक भरोसा मिले कि मैंने जो पैसे दिए दिए हुए जी, उनको जी, कुछ तो उसका हुआ है जी वो हिसाब से हम लोग ने और उन लोग को इतना अच्छा लगा कि उन लोग ने देखा कि सच्ची नीडी लोग को मिल रहे थे जिसको जरूरत थे उन्हीं को मिल रहा था बराबर तो उन्होंने उनके फ्रेंड्स को बताया फिर और पैसे आने लगे फिर और डोनेट और डोनर्स और डोनर्स ऐसे 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 एक पूरा चेन हो गया और उन लोग को भर, भरोसा था कि हाँ यूनिटा को देंगे तो वो बराबर एंड तक जाएगा पैसे जा, हाँ। जा, हम इनके हाथ में दे देंगे तो वो तो वैसे, के वैसे जाके उनको दे देंगे फिर हम लोग ने ये जो सोशल वर्कर्स है हमने उनको पूछा कि इनको और क्या लगता है तो बोले उसने बोला दीदी आपको मालूम है कि इनको भाजी नहीं मिलती है इन लोग लनावला तो जाते नहीं हैं और इनको भाजी नहीं मिलती है क्या आप उनको थोड़ा सा प्याज़ आलू और टमाटर दे सकते हो मैंने बोला क्यों नहीं फिर हम लोग दाना के साथ आलू प्याज और टमाटर बैग में भर के हर एक परिवार के लिए हम लोग ऐसे खुद हम लोग पाँच जन भरते थे तीन सौ पैकेट बनाते थे हम लोग गाड़ी में लोड करते थे टेम्पोज जाते थे और हम लोग बांटते थे फिर उसके हिसाब से हम लोग ने ऐसे ही नहीं दिया कि हमने चावल दिया दाल दिया थोड़ा सा करधानिया दिया धोने के लिए साबुन नहाने के लिए साबुन मसाला दिया फिर हम लोग ने बोला नहीं पौष्टिकपना भी देखना चाहिए बराबर तो उसके साथ हम लोग कभी कभी जब हम लोग चावल देते थे तो हम लोग चीनी देते थे उसके साथ जिस फिर हम लोग ने चावल कम का क्वांटिटी कम किया आटा दिया गेहूँ का आटा दिया उनको उसके साथ गुड़ दिए हम लोग ने तो उसमें तो लोखंड है और न्यूट्रिएंट्स भी है उसमें okay, और पल्सेस में हाँ तो वो हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि पौष्टिकपना उनको कैसे कैसे मिले तो वैसे हम लोग ने किया तो हर एक हफ्ते ऐसे अलग किस्म के हम लोग करते थे तो एक हफ्ते में चावल ज़्यादा जाता था और आटा नहीं जाता था एक हफ्ते में आटा ही जाता था चावल कम जिस हफ्ते में हम लोग चावल ज़्यादा देते थे उस हफ्ते में उन लोग को एक किलो तेल भी जाता था तो महीने में दो किलो तेल जाता था दस किलो चावल जाता था दस किलो आटा जाता था कुछ छः किलो दाल जाती थी तो ऐसे उनको एक महीने के लिए ऐसे हर हफ्ते हर हफ्ते करते, करते थे हर हफ्ते हम लोग करते थे मतलब महीने में चार हफ्ते और चार हफ्तों में ये सोचती थी कि इनको महीने में क्या क्या, क्या जरूरी है? चीजें हैं जो हम हफ्ते में अलग अलग तरह से बांट दें हर हफ्ते में कुछ अलग हो हर हफ्ते में कुछ अलग हो जिनको एक मंथली यूज हो तो इस दौरान मैम आपको क्या उन लोगों की एक सोच लगी कि जो लोग थे जिनको आप हेल्प कर रही थी तो क्या आपके प्रति उनके भाव थे उन लोग को उन लोग को सच उन लोग सच्ची बोले तो इमोशंस से ऐसा पता चलता था कि उन लोग को उन लोग आ गया क्या बोलने के <laughs> एक तो वो लोग बहुत शर्माते हैं हाँ। बहुत शर्माते हैं कातकरी लोग या आदिवासी लोग सामने नहीं आते वो बहुत लंबे रहते हैं ऐसे तो वो ऐसे वो औरतें मुंह बंद करेंगे तुम्हें सा तुम्हें सा तो एक दूसरे के लिए और फिर हमारा सिस्टम क्या रहता था ना जब ऐसे हम लोग तीन परिवार अलग अलग गाँव में एक गाँव में सात जन थे दूसरे गांव में कुछ 47 सेवन फैमिलीज थे तीसरे गांव कुछ 30 फैमिलीज थे तो ऐसे जब हम लोग करते थे तो बहुत भीड़ जमा होती थी तो हमारा सिस्टम क्या रहता था एक दिन पहले हमारा सोशल वर्कर कूपन बनाती थी तो वो घर वाले उसका नाम लिखता था कुपन उसके कूपन पे, कुपन पे. हाँ। और उनको बोलते थे और हमारे सोशल वर्कर की सिग्नेचर रहती थी नीचे तो कोई उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते थे तो उनको बोलते थे कि कल आएंगे तो आप ये कूपन लेके आओ आप कूपन लेके आओगे तो ही दाना मिलेगा नहीं तो आपको दाना मिलने वाला नहीं है बराबर। तो वो हिसाब से इन लोग वो रखते थे और हर हफ्ते हमारे सोशल वर्कर्स ये काम करते थे कि हर एक गांव को जाओ उनको कूपन दो अगले दिन हमारे साथ आए कूपन जमा करें बैग्स दे भाजी का और दाने का उनको देने के लिए बराबर तो हम लोग वैसे करते थे तो वो हिसाब से कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था बहुत स्मूथली गया बराबर बराबर तो हम लोग ने यहाँ से वाक्साई किया था करंडोली वेरगांव मुंडावरे सदापुर मलवली ये ये बाजू एरिया आपने वो कवर कर वो कर पूरा किया फिर आउंदा आउंडोली सिंहगढ़ कॉलेज के पीछे कोने तुंगी फोर्ट के वो बाजू एक हमारा ट्रिप जो बहुत एडवेंचरस था हम लोग नागनाथ गए थे नागनाथ नागनाथ गए थे तो उधर हम लोग को हम लोग ट्रेन से गए थे और वो आ, आप डॉक्टर सीमा को पहचानते रहेंगे हम सीमा सिंदे। 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 उनके उनके थ्रू हम लोग ने वो किया था उधर तो वैसे टोटल हम लोग ने 6 जून तक हम लोग ने करीबन तीन फैमिलीज को सपोर्ट किए क्या बात है मैम <laughs> मैम मुझे और एक पूछना था कि मतलब आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है लोगों के लिए काम करने क्योंकि आज आजकल अगर हम लोगों आ, समाज में देखें कि लोगों की सोच जो है थोड़ी सी सेल्फिश हो गई लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं आप जो ये सोच रही है लोगों का कि वो पुअर लोग कैसे जी रहे होंगे उनको कुछ खाना बहुत सारे घर ऐसे हो जो आपकी वजह से चलते उस वो दौर जो था आपकी वजह से उनका कट गया तो क्या एक फीलिंग है या क्या एक मोटिवेशन आपको हर बार मिलता था ऐसे ही नहीं कि हमें मिलता है उनका क्या होता रहेगा बराबर तो लोगों का सेवा करना हमें अच्छा लगता था हमें जो पांच जन जो थे कोर ग्रुप जो था हमारा पांच जन का हमको वो सब दिल में ही था कि लोगों को सेवा करें, लोगों को मदद करें कैसे मदद करें? वो हिसाब से और ऐसे इधर ही एंड नहीं हुआ था हम लोग ने खाना दिया बाजी दिए उनको परंतु कोई वो गांव में एक लड़का जो टेंथ स्टैंडर्ड पास है पर उसको नौकरी नहीं मिली नहीं तो उसको ग्यारहवीं बारहवीं करना है तो कैसे करें तो काउंसिलिंग भी होता था थोड़ा सा बराबर तो वो हिसाब से काउंसलिंग भी क्योंकि उनमें एक पढ़ने की ज़्यादा ये रहती नहीं है नहीं जो है, लोग, हाँ हाँ उनको आगे पढ़ा जाए वो तो सोच लेती कि हम लोग तो गरीबी है हम गरीबी में जी लेंगे वही लेकिन हमारा भी फ्यूचर हो सकता है हम भी कुछ बन सकते हैं ये जो उनमें जगाने की जो आपने किया तो किस तरह से किया है क्या जाकर उनको बोलती थी किस तरह से मोटिवेट करती थी कुछ नहीं हमारे जो जो सोशल वर्कर्स थे उनको बोलते थे आपको साफ रहना चाहिए आपको अभी ये करोना जो है मास्क पहनो हाथ धो बाहर से आते तो नहा लो उनको जितने भी हो सकते हम लोग भी उनको बताते थे कि आपको साफ रहना चाहिए बाहर मत जाया करो ऐसे तो उन लोग को थोड़ा सा समझ आता था कि ऐसे कुछ तो भी चल रहा है बराबर बराबर बड़, तो वो हिसाब से अच्छा लगता था उन उनके साथ बात करने के लिए पर हम लोग इतना हम लोग का वो टाइम कंस्ट्रेंट था अच्छा। हम लोग सुबह करीबन नौ बजे निकलते थे और दोपहर को एक डेढ़ बजे तक हम लोग वापस करते थे आते थे छः छः पूरा विलेजेस करके हम लोग वापस आते थे और ऐसा भी होता था कि दो दिन में नेक्स्ट ड्राइव होता था तो दो एक दिन? दो दिन के बाद नेक्स्ट ड्राइव होता था तो वो हिसाब से वापस मार्केट आओ भाजी लो पैकेट्स भरो भागदौड़ होती रहेंगी बहुत बहुत भागदौड़ भागदौड़ अच्छा लगता था कि किसी को मदद मिल रहा है किसी का पेट भर रहा है नेचर को कुछ नहीं हो रहा है मतलब आपको जो तकलीफ तकलीफ हो रही थी वो सुकून तब मिलता था जब उन, उन तकलीफ बिल्कुल नहीं होती थी मजा आता था लोगों के लिए काम करने के लिए हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे उनको फायदा हो रहा है हमको वो सुख मिलता था ऐसे हमें बिल्कुल एक जन को हमारे पांचों में एक जन को भी ऐसे कि मैम सिर दुख रहा है नहीं आ सकता हूँ कुछ हो रहा है कोई एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस नहीं नो सब आते थे मैं उनको बोलती थी चलो आते थे ड्राइव से चार बजे हमें पैकेट्स भरना है और ऐसा के एक दो पैकेट्स नहीं थे तीन तीन सौ पैकेट थे और तीन सौ पैकेट में एक किलो प्याज एक किलो आलू एक किलो टमाटर भरने में आसान नहीं होता है बराबर तो ऐसे हम लोग कितना 300 किलो आलू 300 किलो प्याज 300 किलो टमाटर ऐसे लेके हम लोग भरते थे वैसे तो कभी किसी ने नहीं बोला गंदा लगता है धूल बैठता है नहीं होता है कभी किसी ने नहीं बोला इस दौरान मैडम कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हमें बताइए कि जो एक आपको इमोशनल कर दे या मतलब एक कोई एक चीज ऐसी होगी कि इमोशनल के आपको कोरोना जाएगा कुछ दिनों के बाद लेकिन वो इंसिडेंट आपको याद रहेगा वो एक है वैसे एक है और वो मुझे बहुत फील हुआ क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्टर लोग बाहर से लेबर लाते हैं यहाँ बराबर तो यहाँ सोलह लेबर लोग को एक कॉन्ट्रैक्टर पूना का कॉन्ट्रैक्टर था पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर था वो लोग पूना स्टेशन 20 मार्च को पहुंचे उन्हों वो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको गाड़ी में भरा लनावला लेके आए लनावला नहीं मिसल लेके आए मलवली के वहाँ उनको वहाँ छोड़ा उनको थोड़ा सा पैसे दिए सामान दिया पेंटिंग का और बोलो आप काम चालू करो सोलह जन थे लेबरर्स और लॉकडाउन उन लोग का भाषा नहीं मालूम कहाँ है वो भी नहीं मालूम आजू बाजू से बात किससे करना कैसे करना है वो भी नहीं मालूम तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन करता था मैं नहीं आ सकता परमिशन नहीं है और ये फ़ोन करते थे हमारे पास पैसे नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी है? से हट गया नहीं वो था रिस्पॉन्सिबल पर कनेक्ट नहीं था पुना से वो नहीं आ सकता था उनको देने के लिए और उन्होंने ऐसे एक रॉबिन हुड करके है उनसे बात किया पूना में कि ऐसे ऐसे है हमारा सोलह लेबरर्स जो है उनको कुछ खाने के लिए चाहिए मदद चाहिए उधर आपका कोई कांटेक्ट है फिर वहाँ पूना से लनावला रॉबिन हुड को उन लोग ने फोन किया और मुझे एक फ़ोन आया मैडम ऐसे है उनको मदद चाहिए आप क्या मदद करोगे तो मैंने बोला ज़रूर आप उनका नंबर दे दीजिए मुझे तो उन्होंने नंबर दिया तो मैंने फ़ोन किया मैंने बोला आप कहाँ हो मैं मिसल में हूँ मैंने बोला मिसल किधर आया डोंगर गांव में है मैंने बोला डोंगर गांव में मैंने बोला अच्छा ठीक है कितने जन हैं बोले हम लोग सोलह जन हैं खाली हमको आज रात का खाना है कल के लिए कुछ नहीं है मैम प्लीज़ हमें मदद करो तो मैंने बोला ठीक है मैंने गूगल सर्च किया मिसल किधर है पर डोंगरगाँव में तो मिसल नहीं है मुझे डोंगरगांव मालूम है डोंगरगांव मालूम है डोंगरवाड़ी मालूम है पर मिसल नहीं आता है वहाँ फिर मैंने बोला उसको वापस मैंने फ़ोन किया मैंने बोला एक काम करो आप वॉचमैन से पूछो वो बोलता है मुझे, मुझे वो वॉचमैन वा, का भाषा मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि ये एम के थे लेबर हुँ. और वॉचमैन मराठी बोलता था तो कुछ समझ में नहीं आता था तो मैंने बोला उसको एक काम करो आप रोड पे जाओ आपके कंपाउंड के बाद रोड रहेगा आप रोड पे जाओ कोई भी आने जाने वाले मोटरसाइकिल कार हाथ करो रुकाओ उनको और मुझसे बात करवाओ तो वो गेट के बाहर गया और किसी को रुकाया तो मैंने उनको पूछा मराठी में कि आप किधर हो ये जगह किधर है लैंडमार्क क्या है उसने बोला मैडम ये मिसल है ये सदापुर में है और लैंडमार्क uh, तो बोले इधर एक डेयरी uh, फार्म है तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर मैंने बोला सिक्सटीन लोगों का है तो मैं हम लोग ने ग्रेन पैक किया ऐसे दस दिन के लिए तो उतना जितना लगेगा उनको हम लोग ने लिया अगले दिन हम लोग तीन जन निकले उधर देने के लिए अभी उधर भी गए सदापुर तक गए और सदापुर में पूछे मिसल किधर है एक बोर्ड भी नहीं है और जो एक बोर्ड मिला मिसल ये बाजू उसका एरो ये बाजू <laughs> तो हम ये बाजू गए ये बाजू गए तो डेड एंड आया उधर से गाड़ी रिवर्स किया वापस इधर आए बोले फिर एक बच्चा दिखा मैंने बोला ये मिसल करके किधर ये चीज़ बोले मैडम आप आगे से लेफ्ट मारो और सीधा जाओ आपको मिलेगा उतने में वो आदमी ने फोन किया कि आप किधर हो तो मैंने बोला मैं रोड पे हूँ पन आप आप लोग बाहर आओ रोड पे तो हम दिखे फिर मैं उधर से लेफ्ट मारी और गई कुछ तीन किलोमीटर के बाहर इन लोग मिले और उन्होंने हमको देख के वो लोग ऐसे रोने लगे कि बोले हमको मालूम नहीं था कि एक अलग प्रदेश में हमको कुछ मिलेगा खाने के लिए हो वो पूरा सोलह के सोलह जन उधर खड़े थे और फिर मैंने उनको बोला आप एक काम करो आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि आपको यहां से वापस जाना है जैसे यहां से लॉकडाउन लिफ्ट हुआ कि आपको जाना है वहां से क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उतना भी बोला था आप एक मलवली में जाके बैंक अकाउंट खोलो वो बोले लॉकडाउन है तो बैंक अकाउंट कहाँ से एक तो भाषा नहीं आती है किधर से जाओ कैसे जाओ हमको मदद करी कुछ नहीं बहुत बुरा लगा उनके लिए ऐसे भी थे लोग यहाँ थँक्यू सो मच मॅम आपने इतना अच्छा एक्सपिरियन्स हमारे साथ शेअर किया uh, तर या होत्या युनिता डॉल्टन खरं तर त्यांनी समाजाला कशाप्रकारे हेल्प केली आदिवासी समाज खरं तर त्यामध्ये की त्यांना आपण कधी कधी माणूस सुद्धा वागणूक देत नाही त्यांच्याकडं माणूस म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोनसुद्धा आपला नसतो त्यांना आपण जनावरात कुठंतरी जमा केलेलं आहे परंतु अशा काही युनिता डॉल्टन आणि त्यांचे सहकारी आहेत की त्यांच्यापर्यंत त्या मदत घेऊन गेल्या आणि त्याच्या जो पोटाचा जो प्रश्न पडला होता तो कुठंतरी त्यांनी ते मार्गी लावला तसेच काही नागरिक जे बाहेरून आले होते या ठिकाणी आणि तेही त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ शकत होती किंवा त्यां जगाव कसा असा त्यांच्यासमोर प्रश्न पडले होते आ, ते, ते, तर त्याही प्रश्नांना त्यांच्या युनिता डॉल्टन देवासारख्या तिथे त्या ठिकाणी धावून गेल्या आणि त्यांचा तो प्रश्न त्यांनी सॉल्व्ह केला तर त्यांच्या या युनिता डॉल्टन यांच्या सग सर्व टीमला आमच्याकडून आणि झेब्रा टॉकीज या चित्रपट संस्थेकडून खूप खूप शुभेच्छा अशा अनेक संस्था आणि अशा युनिक अनेक युनिता डॉल्टन या समाजात निर्माण होत एवढीच एक देवाकडे प्रार्थना तर मित्रांनो आज वेळ झाली इथंच थांबण्याची भेटूया पुढील भागात नवीन पाहुण्यांसोबत आणि पाहत राहा आपला आवाज